हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द यूट्यूब एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, जो कि हमारा कॉस्टिंग 1 एमकॉम सेमेस्टर 2 का चैप्टर है, स्टार्ट करने वाले हैं। तो यहाँ पर चैप्टर का नाम है एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। तो जैसा कि चैप्टर खुद ही अपना नाम बता रहा है, एज इट्स इज इट्स नेम एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, इट मीन्स द सिस्टम ऑफ कॉस्टिंग दैट इज़ बेस्ड ऑन द एक्टिविटीज़, डिफरेंट एक्टिविटीज़, देन दैट इज़ कॉल्ड एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। बट वी विल गिव इट ए डेफिनेशन। सो ABC, इट मीन्स एक्टिविटी कॉस्ट बेस्ड कॉस्टिंग इज़ ए सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग ओवरहेड्स एलोकेटिंग ओवर हेड्स टू जॉब्स टू प्रोडक्ट्स और टू प्रोसेसेस ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज ऑन द बेसिस ऑफ एक्टिविटीज responsible for such jobs, products and processes. Jobs, products and processes. Instead of द ट्रेडिशनल सिस्टम, हमारे जो ट्रेडिशनल सिस्टम है, पहले की जो सिस्टम है उसकी बजाय हमारे पास जितने भी ओवरहेड्स हैं उनको हम अलग अलग जॉब्स है, प्रोडक्ट्स है, प्रोसेसेस है, उनके बेस पर एक्टिविटीज़ को आइडेंटिफाई करना है। और आइडेंटिफाई करने के बाद उनको उनके बेस पर ही हमको यहाँ क्या करना पड़ेगा, डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ेगा, एलोकेट करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड ABC सिस्टम। ओके, सो दूसरी एक डेफिनेशन दी हमको CIMA ने, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंट। तो हम उसके हिसाब से भी एक डेफिनेशन इसकी देख लेते हैं कि क्या है, कि अकॉर्डिंग टू CIMA, सर्टिफाइड इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट अकाउंटेंट्स, तो ABC इज ए सिस्टम ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग या कॉस्ट एट्रीब्यूशन टू कॉस्ट यूनिट्स, यूनिट्स की कॉस्ट फाइंड आउट करने के लिए, ऑन द बेसिस ऑफ बेनिफिट रिसीव्ड फ्रॉम indirect activities, the activities which are not directly related but somehow they are related with the products, process or jobs, then that can be taken as a base, like ordering, setting up time, assuring quality, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और भी हम जैसे कि एग्जाम्पल देखें तो सेटअप टाइम हमारा हो गया है, ऑर्डरिंग हैंडल हो गया है, एश्योरिंग क्वालिटी भी हो गया है, इंस्पेक्शन टाइम। तो ये सब हमारे एक्टिविटीज़ के अंदर ये बेस हो सकते हैं। उन बेस के हिसाब से हमको एक्टिविटीज़ को क्या करना होता है, अलग अलग बेस में लेकर ओवरहेड्स जो दिए होते हैं उनको एलोकेट करना पड़ता है। आफ्टर देन यहाँ पर अब बात करते हैं हम सम की तरफ। तो सम में ध्यान रखना है, एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग है तो हमको पहले तो और जो ट्रेडिशनल है वो भी जाननी पड़ेगी। ट्रेडिशनल क्या, हमारी
तो टू मेथड्स हमारे यहाँ पर, कितनी मेथड्स दी हुई है, टू। हमारे एबीसी तो एक है ही सिंगल, जो हमको फाइंड आउट मेन हमारा टारगेट क्या है एबीसी पर। एबीसी की कंपैरिजन किससे की जाएगी, ट्रेडिशनल मेथड से। तो ट्रेडिशनल मेथड हमको भी यहाँ पे करनी पड़ेगी। ट्रेडिशनल में क्या होता है वो भी पता होना चाहिए। ट्रेडिशनल कॉस्टिंग, उसको हम कन्वेंशनल कॉस्टिंग भी बोलते हैं, सेकेंड तो हमारी एबीसी है ही एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग। सो एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, एक्टिविटी के बेस पर रहने वाली या एक्टिविटी के बेस पर जिस कॉस्टिंग सिस्टम के अंदर ओवरहेड्स को एलोकेट किया जाता है, वो वहाँ पर हमको ध्यान रखनी है। अब ट्रेडिंग कॉस्टिंग, ट्रेडिशनल कॉस्टिंग के अंदर क्या करते हैं और एबीसी कॉस्टिंग के अंदर हम कौन कौन सी चीज़ों को ध्यान में लेते हैं वो देखते हैं। तो ट्रेडिशनल कॉस्टिंग का हमारा फॉर्मेट हम देख लेते हैं पहले, तो उसमें कौन कौन सी चीज़ें हमारी सब आ जाएगी। तो हमको सम किस तरह से स्टार्ट करना है वो भी हमको, ये एक तरह से मैं फॉर्मेट ही यहाँ बता रहा हूँ, वो फॉर्मेट देख सकते हो। ट्रेडिशनल मेथड, तो ट्रेडिशनल मेथड में क्या है, क्या बताना चाहते हैं। तो ट्रेडिशनल मेथड में किस तरह से कॉस्टिंग फाइंड आउट की जाती है कोई एक प्रोडक्ट की। तो ट्रेडिशनल मेथड में हम देखेंगे तो सबसे पहले हमको ओवरहेड फाइंड आउट करने पड़ते हैं। ओवरहेड पर लेबर आवर, लेबर्स के बेस पर हमको क्या करना पड़ता है, ओवरहेड्स को फाइंड आउट करना पड़ता है। तो ओवरहेड पर लेबर आवर हमको यहाँ फाइंड आउट करना है। तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास टोटल ओवरहेड होंगे वो लिखने पड़ेंगे, और टोटल ओवरहेड को हमको डिवाइड करना पड़ेगा टोटल लेबर आवर से। टोटल लेबर आवर ये हमको दिए होंगे, अगर एक प्रोडक्ट से ज़्यादा प्रोडक्ट हैं तो हमको सबका मिक्सअप करके भी यहाँ लिखना पड़ेगा, ध्यान रखना पड़ेगा। टोटल लेबर आवर्स ये हमारा फर्स्ट स्टेप इसका। अब इसी के अंदर हमको कॉस्ट पर यूनिट फाइंड आउट करनी पड़ती है, ये हमारा फाइंड आउट हो जाएगा यहाँ पर पर आवर। नाउ व्हाट, सेकेंड में हमारे पास रहेगा कॉस्ट फाइंड आउट करना है इसका। तो कॉस्ट कैसे फाइंड आउट करना है, तो कॉस्ट पर यूनिट ये इसका फॉर्मेट में ही है। उसमें सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, कोई भी प्रोडक्ट को तैयार करने से पहले हमारे पास में क्या चाहिए, मटेरियल चाहिए। तो सबसे पहले हम डायरेक्ट मटेरियल लिखेंगे, डायरेक्ट वेजेस लिखेंगे, ओवरहेड लिखेंगे, और इसके बाद भी अगर कब ये वेरिएबल ओवरहेड होंगे सारे, अगर इसके बाद भी अगर फिक्स ओवरहेड दिया है तो ऐड करेंगे, नहीं दिया है तो नहीं ऐड करेंगे। ये हमारी पूरी टोटल कॉस्ट हो जाएगी। ये दोनों चीज़ें, ये और ये, दोनों बेस्ड ऑन आवर्स, बेस्ड ऑन लेबर आवर्स पर होंगे, और उनका रेट लिया जाएगा कहाँ से, यहाँ से रेट लेंगे यहाँ से, और आवर्स जितने भी दिए दोनों के लिए वो सब लेंगे, या फिर एज पर द इंफॉर्मेशन गिवन इन द सम देन मेक टोटल। ये हमारा कॉस्ट आएगा एज पर द ट्रेडिशनल मेथड। नाउ विल सी द एबीसी कॉस्टिंग। सो हाउ एबीसी कॉस्टिंग कैन बी कैलकुलेटेड, तो एबीसी मेथड हम देखेंगे यहाँ पर। तो सबसे पहले हमको यहाँ भी ओवरहेड फाइंड आउट करना है, लेकिन पर लेबर अवर नहीं, पर यूनिट। ओवरहेड पर यूनिट, सो टोटल ओवरहेड्स डिवाइड बाय टोटल यूनिट्स डिवाइड करेंगे, हमको मिलेगा क्या यहाँ पर इसका ओवरहेड का कॉस्ट मिल जाएगा पर यूनिट कितना होगा वो। आफ्टर देन व्हाट वी हैव टू डू हियर, कॉस्टिंग। सो पर्टिकुलर्स, पहले हमको बेस फाइंड आउट करके उनका ओवरहेड का डिस्ट्रीब्यूशन एलोकेशन करना है। बेस लेंगे, बेस हमारे पास में कौन कौन से, मैं अभी बताऊंगा उनका रेशियो क्या। ये हमारा बेस है और ये हमारे पास रेशियो रहेगा उनका बेसिस का, और प्रोडक्ट होंगी ए बी सी वॉट एवर दैट वे बी, और यहाँ पर टोटल, या तो पहले टोटल लिखो उसके बाद में वहाँ लिखो, एक ही बात रहेगा। अब कौन कौन से बेसिस हैं यहाँ पर देखो, एक सेटअप टाइम,
सेटअप टाइम है, कोई अगर मशीनरी हो तो उसका सेटअप का टाइम क्या है, वो मटेरियल मेंटेनेंस होगा, मटेरियल मेंटेनेंस होता है। उसके बाद में इंस्पेक्शन टाइम, इंस्पेक्शन हो सकता है खाली। उसके बाद में मटेरियल का सप्लाई, आफ्टर देन ऑर्डर हैंडलिंग, ऑर्डर हैंडलिंग का दिया हो तो वो हो सकता है। आफ्टर देन वॉल्यूम कैन बी गिवन सम टाइम, एंड मशीन एक्टिविटी। आउट ऑफ दिस एनी ऑफ द टू और थ्री बेसिस कैन बी गिवन देयर टू एलोकेट द ओवरहेड्स। देन वी हैव टू फाइंड आउट द रेशियोज, हियर वी विल फाइंड आउट द रेशियो, रेशियो विल बी हेल्प विल बी गिवन देयर टू फाइंड आउट द रेशियोज। डिरेक्टली रेशियोज आर नॉट गिवन, सो वी कैन चेक दैट। देन राइट डाउन दिस टोटल अमाउंट, एंड दिस टोटल अमाउंट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन दिस टू प्रोडक्ट्स और थ्री प्रोडक्ट्स, जो भी हमारी प्रोडक्ट्स होंगे उनके बीच में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना है। डिस्ट्रीब्यूट करने के बाद में हमारे पास में आएगा यहाँ से ओवरहेड्स, ये हमारे क्या आएंगे, टोटल ओवरहेड। अब ओवरहेड्स जब हमारे पास में मिल जाते हैं तो हमको इसका कॉस्ट फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो कॉस्ट कैसे निकालना है वो भी हम यहाँ देख लेते हैं। कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट में हम देखेंगे तो सबसे पहले वही हमारा पार्टिकुलर्स, प्रोडक्ट के नाम, और उसके बाद में हमारे पास टोटल होगा वो लिखना है। डायरेक्ट मटेरियल, वेजेस, इनको तो कोई टाल ही नहीं सकता क्योंकि इनके बिना कोई प्रोडक्ट नहीं रेडी होगी। लेकिन आफ्टर देन आवर्स जो आएंगे हमारे, जो पीछे हमने फाइंड आउट किए हैं वो ओवरहेड हमको यहाँ लिखना है। एज पर आवर कैलकुलेशन वी कैन से हियर देन मेक टोटल, यू विल गेट द आंसर अकॉर्डिंग टू योर कॉस्ट, एबीसी कॉस्टिंग। ये हमारा टोटल कॉस्ट होगा पर यूनिट का, सो दैट इज अकॉर्डिंग टू द एबीसी कॉस्टिंग। एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग में हमारी ये एक्टिविटीज़ हैं, इनके बेस पर हमको बांट दिया जाता है। यही हमको ध्यान रखना है कि हमारा ये एक्टिविटी बेस्ड कॉस्टिंग, ये एक्टिविटीज़ को ध्यान में रखकर किया जाता है कि अलग अलग टाइप की एक्टिविटीज़ हो रही है तो उनको ओवरहेड्स को अलग अलग रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट एलोकेट होना चाहिए। तो वो किस तरह से कर सकते हैं, वी कैन सी हियर। नाउ दिस इज़ आवर फॉर्मेट, इन दिस फॉर्मेट वी हैव टू कैलकुलेट ऑल द सम्स एंड दीज आर डेफिनेशंस एंड मैथड्स, सो यू कैन सी हियर एवरीथिंग इज देयर। ओके,